हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बच्चों की राखी में मैं दूसरी राखी लेके आई हूँ। पहले तो चॉइस की थी, और जैसा आप लोग जानते हैं कि बच्चों को राखियों में भगवान, ओम या कार्टून स्टिकर थोड़ी देर लुभाते हैं, तो उनको तो हर चीज़ थोड़ी देर लुभाती है। लेकिन हम कुछ उनके लिए नया करें। बाजार में तो बहुत तरह की राखियाँ मिलती हैं कार्टून की, उनके कार्टून कैरेक्टर मनपसंद, लेकिन हम कुछ अलग करें वो उनको हमेशा याद रहेगा, खास तौर पे राखी जैसे त्यौहार पे कि हाँ, अरे पिछले साल तो मतलब आगे वाली राखी आने पर कि उनके अंदर ये हमेशा जिज्ञासा बनी रहेगी कि अब आगे वाले आने वाली राखी में हमको क्या नई चीज़ मिलेगी। तो उसी नई चीज़ की शुरुआत मैंने की है कि बच्चों को वैसे भी राखी जब बांध दी जाती है तो उसमें जो सलमे, सितारे, गोटे और मोती लगे होते हैं वो चुभते हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है इन सब चीज़ों से, और फिर वो रोना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपका त्यौहार भी थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे टेंशन में हो जाता है। तो बच्चे खुश रहें और हम भी खुशी खुशी उस पर्व को पूरा कर सकें, तो उसी श्रृंखला में मैं ये राखी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और आप इसे आइडिया लीजिए। ज़रूरी नहीं है जो मैंने बनाया है आप वही वही ढूंढिए बाजार में, नहीं, आप आइडिया लीजिए कि आप इससे बेटर और क्या कर सकती हैं। आफ्टर ऑल, आप भी एक औरत हैं, लड़की हैं, तो किसी से कम तो नहीं होना चाहिए। और देखिए कैसे बनाते हैं, ये देखिए सिंपल है बिल्कुल। ये मैं एक चॉकलेट का पैकेट लाई हूँ, ये यहाँ से खुलता है, इसमें ये एक कोना खोलने के लिए होता है। ये देखिए हर चॉकलेट वाली इस तरह के पैकेट में ये चॉकलेट अंदर दिखाई दे रही है, आधी लाइट है आधी डार्क है, और इस पे एक फेस बना हुआ है। इसको कुछ नहीं करना है, बस राखी के लिए एक सॉटन रिबन लीजिए, इसको ऐसे रखिए और इसको बस ऐसे चिपकाना है। ये थोड़ा सा पहले आप हल्का सा खोल दीजिएगा ताकि बच्चे अपने से खा सकें, और इसको खोलने के बाद ये देखिए इसको ऐसे रखना है सीधी तरफ से, और इसका सेंटर निकाल देना है। ये है इसका सेंटर, इसको मोड़ के ऐसे दबा दीजिए तो ये अपने आप सेंटर निकल आएगा। यहाँ पे ये सेंटर आ गया है। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये हमने पहले से निकाला हुआ था, इसको वापस सीधा कर देना, बस ये थोड़ा सा उखड़ा हुआ सा रहे ताकि इसको खोलने में दिक्कत ना हो। और इस पे हम बस इसी तरह से पूरी ये ग्लू लगाएंगे, इस तरह से ये ग्लू लगा करके, और इसको ऐसे सेंटर पे रख देंगे, बस इसको इस तरह से चिपका देना है। ये बच्चों की गिफ्ट वाली राखियाँ हो जाएंगी। और ये हमारा इस तरह से ये चिपक गया है, इसको थोड़ी देर ऐसे सीधा रख दें सूखने के लिए, और फिर जब ये सूख जाए तो इसको ऐसे थालियों में सजा दें। रंग बिरंगे सॉटन रिबन से अलग अलग टॉफियाँ आप तैयार कर सकती हैं, और बच्चे को ये पता है कि ये इसमें चॉकलेट है, लेकिन ये खुलेगा कैसे? जब वो बच्चा राखी बंध जाए और जब वो पूछे तो आप उसको बस बता दीजिए कि ये जो फीता है इसको नीचे पकड़े पकड़ ले और इसको ऐसे खोल दे, तो हाथ में ये कप आ जाएगा चॉकलेट का, फिर वो अपने आप चॉकलेट खा सकते हैं। तो ये थी आज हमारी गिफ्ट वाली राखी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और कल के वीडियो में मैं एक ऐसी राखी लेके आ रही हूँ जिसको आप कभी ना भूलिएगा, क्योंकि वो प्राणी अगर नाराज हो गया घर में तो भाई उसको तो खुश रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कल करते जाते रहें। कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।